स्टार प्लस का शो कोई लौट के आया है एक बार फिर से अभिमन्यु की साजिश खत्म हो जाने के बाद अब गीतांजलि की साजिश लेकर आ रहा है, क्योंकि इसमें जहां अभिमन्यु को गीतांजलि की ही तरह वो हर जगह दिख रही है, उसे गीतांजलि का भूत भी दिखने लगा है। दरअसल क्या होने वाला है इसके आने वाले एपिसोड में, इसकी हम आपको लेटेस्ट अपडेट दे देते हैं। अभिमन्यु के गीतांजलि की मौत देखने के बाद अब ये लगने लगा है कि हो सकता है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में उसका नाम आ जाए और वो पकड़ा जाए, इसलिए उसने अपने पिता भवानी सिंह से मिलकर शहर छोड़ने का फैसला कर लिया है। अब जब अभिमन्यु शहर छोड़कर जा रहा होता है तब उसे रास्ते में गीतांजलि दिखती है जो बिल्कुल उसकी आंखों के सामने से गुजरती हुई जाती है। अब अभिमन्यु को तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं होता, इसलिए वो कुछ देर तक उसका पीछा करता है, लेकिन उसके बाद गीतांजलि हाथ नहीं रखती उसे। वहीं जब अभिमन्यु अपना शक दूर करने के लिए उस लड़की के बारे में पता लगाता है तब पता चलता है कि वो लड़की उसी गांव में काफी पहले से रहती है और उसका नाम चमकी है। तो क्या सच में गीतांजलि का कोई दूसरा रूप आया है या फिर ये सच में गीतांजलि की कोई साजिश है, ये तो इसके आने वाले एपिसोड में साफ हो जाएगा। लेकिन तब तक के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल टॉप न्यूज़ जस्ट फॉर यू। टॉप न्यूज़ से प्रिया की रिपोर्ट।